जिला सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बाबत जिला सहकारी बैंक से जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक ऐसे कई फर्जी खातेदार पाए गए जो वास्तव में है ही नहीं, और सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 20 से 50,000 रुपए तक के लोन पा चुके हैं। शुरुआती जांच में अब तक कुल 1400 ऐसे फर्जी खातेदारों का पता चला है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया और जांच करने पर पूरी की पूरी कहानी सामने आई। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सीमांत किसानों के लिए ऐसी कई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 20 से 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, जो कि सीधे खातेदार के खाते में पहुंचता है। शुरुआती जांच करने पर पता चला कि जो जो इन योजनाओं का लाभ पा चुके हैं वो व्यक्ति दरअसल सिर्फ कागज में ही हैं और कहीं नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा कि गठित टीम ने जांच की, जिसमें अब तक कुल 1400 मामले आ चुके हैं। दोषी पाए गए व्यक्तियों पर रिकवरी के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। फायदा दिया गया, करीब 1400 प्रकरण अभी संज्ञान में आया, उसका अलग समिति बना करके हम लोग जांच कराना शुरू कर दिए। प्रिलिमिनरी में जो लग रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा डाइवर्ट हुआ है, यदि डिटेल रिपोर्ट में आएगा 1400 लाभार्थी कौन है और कौन उस पर इन्वॉल्व है, सबको ऊपर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे, रिकवरी की कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराएंगे। ठीक।